तो बच्चों आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.4 कराने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन वन है कि नंबर वन पार्ट है एक चर वाले, नंबर टू है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो इसमें हम y बराबर 3 को एक चर का रैखिक समीकरण लेते हुए अंक रेखा पर इसका हल निम्नलिखित प्रकार से लेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया, क्या नाम है, एक एक्सिस खींच ली, उसमें नंबरिंग की, 1, 2, 3, 4, 0 के आगे माइनस वाले लिए, लेकिन y का मान क्या है, 3 है ना। तो यहाँ पे ये इसका निरूपण हो गया। इसी तरह दूसरे में y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 है तो इसका मतलब ये है कि x नहीं है इसमें, तो x नहीं है तो x लिख के 0 लिख दिया, 0 से x को गुणा करेंगे तो x नहीं होगा, और क्या बचा, y बराबर 3। तो हमें x भी लाना है इसमें, क्योंकि x के मान के लिए y का मान निकालना है। तो अतः x के विभिन्न मान रखने पर, माना x बराबर 0, तो x बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 + y बराबर 3, यानी y बराबर 3, तो a पॉइंट मिल जाएगा 0, 3। इसी तरह x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 × 2 हो जाएगा, जैसे ये 0 × x था तो x की जगह 0 × 2 + y, तो ये तो 0 हो गया, इससे भी y बराबर 3। तो सेट क्या बना, आपने x बराबर 2 रखा था, y मान 3 निकला, तो b पॉइंट मिल गया ब्रैकेट में 2 और 3। इसके बाद x बराबर -2 रखा तो 0 × -2 + y = 3, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हुई तो y बराबर फिर से 3 मिला। तो x का मान तो -2 रखा था और y का मान क्या है, 3, तो बिंदु C मिल गया। अब हमने एक्सिस बनाई, x एक्सिस और y एक्सिस, है ना। तो x एक्सिस और y एक्सिस में आपको A बिंदु क्या मिला था, 0 और 3, तो x का 0 ये है, 3 ये है, तो एक बिंदु A मिल गया 0, 3। फिर B बिंदु मिला 2 और 3, 2 ये है 3 ये है, तो ये आपको मिल गया बी बिंदु 2 और 3। उसके बाद सी क्या था, -2 और 3, तो -2 इधर है और 3 ऊपर है, तो यहाँ से इधर से ले आए तो आपको सी बिंदु मिला, तो ये -2 और 3 है। अब स्केल रख के हमने इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तो इस तरीके से इसका ज्यामिति निरूपण हो गया। तो दो चर वाले समीकरण के रूप में ये हुआ और एक चर वाले समीकरण के रूप में ये हुआ। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन इस लेसन का बताएंगे। तो इसका प्रश्नावली जो है 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो पहला 2x + 9 = 0 को एक चर का रैखिक समीकरण लेते हुए अंक रेखा पर इसका हल इस प्रकार से होगा, क्योंकि 2x + 9 = 0 है तो हम 2x = -9 लेंगे। इसका मतलब x = -9/2, तो 2 × 4 = 8 होता है, 2 × 5 = 10, तो इसका मान आ गया -4.5। अब हम संख्या रेखा खींचते हैं, तो 0 के इधर पॉजिटिव लेंगे, 0 के इधर निगेटिव लेंगे, तो -1, -2, -3, -4, -5, और -4.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस तरह पहला खंड हमने एक चर वाले के रूप में संख्या रेखा पर हमने दिखा दिया 2x + 9 = 0 को। अब दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको दिखाना है हमें, तो दो चर वाले के लिए हम इस तरह करेंगे, 2x + 9 = 0 implies that 2x + y तो था नहीं, तो y को लिख के 0 से गुणा कर दिया, तो 0 से गुणा करेंगे तो y हट जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी है, दो चर में करना है। दो चर क्या है, x और y है, और 9 पहले से ही था, तो 2x + 0 × y + 9 = 0 है। तो y के सभी मान संभव हैं, क्योंकि 0 लगा हम y कुछ भी ले सकते हैं। तो x का मान तो निश्चित है, -9/2 है, और हम यहाँ पे पहला मान y बराबर 0 ले लेते हैं, x का मान है -9/2। दूसरे मान में x बराबर -9/2 ही रखते हैं, y का मान 2 ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी मान y का रखेंगे तो 0 ही आना है। तीसरा मान हम ये ले लेते हैं, x बराबर -9/2 और y बराबर -2। अब संख्या रेखा पर हमने सीधे एक्सिस खींच ली है, ठीक है, आपको मालूम है कि इधर की संख्या निगेटिव होती है। तो पहली जो हमें मिली थी कौन सा, ये वाला -9/2 और y 0, तो y 0 तो इस एक्सिस पे होगा और -9/2 भी इधर ही होगा, तो एक डॉट हमने खींच लिया।
फिर दूसरा मान क्या था, -9/2 और 2, तो 2 जो है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से 2 आया, इधर से -9/2 आया, दूसरा डॉट मिल गया। तीसरा है -9/2 और -2, तो -2 नीचे आया, -9/2 इधर आया, दोनों को मिलाया तो तीसरा डॉट मिल गया। अब इन तीनों डॉटों को हमने मिला के एक रेखा खींच ली, तो इस तरह से संख्या रेखा पर 2x+9=0 का ज्यामितीय निरूपण हो गया। तो बच्चों इसको कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा और प्रश्नावली 4.4 इसी तरह से खत्म हो गई है।